तो भाई लोग 2024 की बॉलीवुड की सबसे बड़ी मच अवेटेड मूवी यानी बड़े मियां छोटे मियां ऑफिशियली ट्रेलर जो है रिलीज कर दिया गया, जिसको जस्ट अभी हमने देखा है। लेकिन इस मूवी की हाइप इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें आप लोग खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार देखने को मिलते हैं, उसके साथ आप लोग टाइगर श्रॉफ देखने को मिलते हैं, दोनों एक्शन हीरो। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने, जिसका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। अब इस मूवी से उम्मीदें बढ़ जाती है क्योंकि आज इसका ट्रेलर रिलीज किया गया और ट्रेलर किस तरह का बनाया गया वही बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये मूवी ईद पर कमाल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अजय देवगन यानी मास महाराजा अपनी एक्टिंग की लेवल को बाप लेवल तक पहुंचा चुके हैं, क्योंकि मैदान मूवी भी इसके साथ क्लेश करते हुए नजर आएगी आप लोगों को। लेकिन बात करें तो भाई साहब इस मूवी का ट्रेलर, इस मूवी के ट्रेलर से उम्मीदें हमारी ज्यादा थी, लेकिन जिस तरह से ट्रेलर निकल के आया है शॉक रह गया हूं भाई साहब, सब लोग शॉक रह गए कि इस तरह का ट्रेलर आकर कैसे आ सकता है, क्योंकि इस मूवी में जो VFX होने वाले, जो एक्शन शॉट्स होने वाले हैं और जो कहानी होने वाली है टोटली आप लोग को एक अलग लेवल पर लेके जाएगी, क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर ये प्रेजेंट करके जाता है कि ये मूवी ईद पर आप लोग को बड़ा धमाका करने वाली है। जी हाँ, ट्रेलर देखते हुए आप लोग को ये महसूस हो जाता है कि ये मूवी बहुत बड़ा काम करने वाली है। अब इस मूवी से उम्मीदें लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल करके लेकर आएगी और आप लोग के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अगर आप लोग टिकट बुक करके जाओगे इस मूवी को देखने तो आप लोग भैया जाओगे, क्योंकि इस मूवी में जो कहानी होगी, जो एक्शन होगा, जो VFX होंगे और जो डायरेक्शन होगा, जो सॉन्ग्स हैं टोटली गूज बम्स वाले होंगे और टोटली बवाल चीजें निकल के आ रही हैं। और ट्रेलर को देखते हुए भैया जी, ट्रेलर कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ पता ही नहीं चला, ये मूवी वैसी होने वाली है। आप लोग का इस मूवी का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ क्लाइमेक्स टोटली बवाल होने वाला है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इस मूवी का कनेक्शन सीधा आप लोग को आता है पहली मूवी से होने वाला है। अब लेट्स सी ये मूवी क्या कमाल कर पाती ईद पर और बॉलीवुड को ब्रेक कर पाती है 2024 में, नहीं कर पाती वो जब समय आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अप्रैल का मंथ तो अक्षय कुमार के नाम ही होने वाला है, क्या अक्षय कुमार के करियर की ये मूवी 300-400-500 करोड़ पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी और ये मूवी फिर से फ्लॉप हो जाएगी, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आप लोग ट्रेलर कैसा लगा, आप लोग ट्रेलर अच्छा लगा बुरा लगा पसंद आया पसंद नहीं आया, आप लोगों का ट्रेलर देखते हुए क्या उम्मीदें थी और ये मूवी आप लोग उम्मीदों पर और आप ये मूवी का ट्रेलर आप लोग उम्मीदों पर खड़ा उतरा नहीं उतरा, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के वीडियो आप लोग सबसे पहले मिलती रहेंगी।